चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज नहीं है, फॉर एंटी रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट में आई वी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? आई और न्यू की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ग्राफ ऐसा बनता है रेजोनेंस सर्किट में। रेजोनेंस सर्किट में तो एंटी रेजोनेंस का मतलब, एंटी रेजोनेंस का मतलब है फिल्टर सर्किट। एंटी रेजोनेंस सर्किट का मतलब है फिल्टर सर्किट। और इसमें रेजोनेंस सर्किट में LCR जो होता है वो सीरीज में होता है, और एंटी रेजोनेंस या फिल्टर सर्किट में LCR जो होता है वो पैरेलल में होता है, पैरेलल सर्किट होती है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, एक करंट है, एक फ्रीक्वेंसी है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगी, आई मिनिमम होती है, और किसी एक पर्टिकुलर इसमें रेजोनेंस सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है, ये डिफरेंस होता है। तो ग्राफ कौन सा अप्रोप्रिएट है? फिल्टर सर्किट यानी एंटी रेजोनेंस सर्किट के लिए बी वाला ग्राफ ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर रेजोनेंस सर्किट कहता तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।